से प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू जग से प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों ने पिछले क्लास के अंदर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेने के विषय में सीखा था, क्योंकि कुछ प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं ने केवल ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो ये बोल करके सिखाते हैं, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर जो बपतिस्मा है उसको स्वीकार नहीं करते हैं। और उस क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा बताया था डुबकी की बपतिस्मा चाहिए ये बोल करके कई लोग जो कैथोलिक कलीसिया में जो बपतिस्मा ग्रहण किया इसके बाद जाकर के डुबकी की बपतिस्मा लेते हैं, कुछ अज्ञानता के कारण ये सब करते हैं। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने मनन चिंतन किया, विशेषकर जो प्रेरित चरित्र के अंदर प्रेरितों का कार्यकलाप उसके अंदर जो लिखा हुआ ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो और लोगों ने ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया, ऐसे ऐसे करकर को जो लिखा है इसका अर्थ ही पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेना ये है। क्योंकि ईसा मसीह ने मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 28 वाक्य 19 के अंदर ईसा मसीह ने स्वयं कहा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देने के लिए। इसका मतलब प्रेरित चरित्र के अंदर जहां कहीं भी ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया का मतलब यह हो गया क्योंकि ईसा मसीह का ही जो संदेश सुनाया जा रहा है, मुक्ति केवल ईसा मसीह के द्वारा मिलने वाला है। इसलिए जो क्रिश्चियनिटी के अंदर जो सुसमाचार जो घोषणा कर रहा है मसीही के विषय में घोषणा कर करके दे रहा था, इसलिए ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया कर करके बोलते हैं। एक और उदाहरण बोल सकते हैं, जो बपतिस्मा लेते वक्त 3 बार पानी को डालते हैं, सिर पर डालना 3 बार, क्रूस के चिन्ह के द्वारा 3 बार डालते हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा बोल करके उस समय पर आमेन आमेन बोल करके हम लोग जाते हैं, तो वो 3 बार एक पिता के नाम पर पानी डाल रहा है, एक पुत्र के नाम पर पानी डाल रहा है, एक पवित्र आत्मा के नाम पर पानी डाल रहा है। मैंने ये भी देखा है जो डुबकी की बपतिस्मा जो लेते हैं, जो लोग ईसा मसीह का नाम पर बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र त्रित्व का नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर नहीं, ईसा मसीह ने जो कहा उसका विरुद्ध में करने वाले, वे भी 3 बार डुबकी लगाता हुआ। किस लिए 3 बार डुबकी लगा रहे भाई? हर बार पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक एक बार, इसलिए 3 बार पानी डालता है, 3 बार डुबकी लगाता है। छोड़िए, कई बातें हम लोग पिछले क्लास में मनन चिंतन किया, आज डुबकी की बपतिस्मा का जरूरत है कि नहीं इसके विषय में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। क्यों डुबकी की बपतिस्मा लोग लेते हैं? सबसे पहली बात हमें सीखना है, ये जो बपतिस्मा बैप्टिज्म ये जो शब्द है इसका जो ग्रीक शब्द का अर्थ मतलब डूबना है। बैप्टिज्म शब्द का जो ग्रीक शब्द का यूनानी शब्द का अर्थ ही डूबना है। ये कहां से शुरू हुआ हमें मालूम है, बपतिस्मा ये जो प्रोसेस जो शुरू हुआ योहन बपतिस्ता ने, ईसा मसीह के लिए रास्ता तैयार करने वाला योहन बपतिस्ता ने लोगों को पश्चाताप की ओर लेकर के जाने के लिए भाषण दिया, और जो लोग आए
उनको ये बपतिस्मा देना शुरू किया। इसके बाद योहन ने स्वयं कहा, मैं तो जल की बपतिस्मा दे रहा हूं। अब थोड़ा सा पढ़ना अच्छा है, मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 3 के अंदर हम लोग वाक्य 1 से आगे योहन बपतिस्ता का वो कार्य को, तो हम लोग आगे चलते हैं, वाक्य 8 में आते हैं। वाक्य 8 में हम लोग पढ़ते हैं, पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो, ये ना सोचना कि हम इब्राहिम के संतान हैं। ये सब बोल करके उन लोगों को ये पश्चाताप का संदेश सुनाता था। वाक्य 10 में आकर के कहते हैं, पेड़ों की जड़ में अभी कुलाड़ा लग चुका है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता है वह काटा जाएगा और आग में फेंक दिया जाएगा। ये सब इसके बाद वाक्य 11 के अंदर योहन बपतिस्ता कहते हैं, मैं तो तुम लोगों को जल से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूं, मैं जल का पश्चाताप का बपतिस्मा दे रहा हूं, किंतु जो मेरे बाद आने वाले हैं, जिसके लिए योहन कार्य कर रहा है, जिनकी तैयारी योहन कर रहा है, वो व्यक्ति जो योहन के बाद आने वाला है, वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है, मैं उनके जूते उठाने योग्य भी नहीं हूं। वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 3 वाक्य 11, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 11 में संत योहन बपतिस्ता कहते हैं, योहन बपतिस्ता कहते हैं कि ईसा मसीह हम लोगों को पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देंगे। यहां पर योहन स्वयं कहते हैं, मैं केवल पानी का बपतिस्मा दे रहा हूं, ये जो डुबकी का बपतिस्मा आप लोगों को पश्चाताप की ओर लेकर के जाने वाला, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला जो मसीह है, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। इसका मतलब है ईसा मसीह के बपतिस्मा में पानी में नहीं डूबना है, डूबना है पवित्र आत्मा में। पवित्र आत्मा में डूबने वाला बपतिस्मा का जरूरत है। नए विधान में ईसा मसीह के बपतिस्मा के अनुसार जो बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, तो योहन स्वयं मत्ती के सुसमाचार 3:11 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा। उसी प्रकार लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 3 में भी मिलेगा, लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 3 वाक्य 1 से है, योहन बपतिस्ता के विषय में ही है, वहां पर भी ये सब बोल रहा है, पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो, पेड़ों के जड़ में कुलाड़ा लग चुका है, जो अच्छा फल नहीं देगा काटा जाएगा। तब लोग पूछने लगे, हम क्या करें। तो संत योहन उन लोगों को सिखाते हैं, नाकेदारों को सिखाया, सैनिकों को सिखाया, क्या करना है क्या नहीं करना है, लोगों को सही रास्ता बताकर के पश्चाताप की बातें सिखाने लगे। इसके बाद वाक्य 16 में लिखा है, लूक चैप्टर 3 वर्स 16, योहन ने तो सबों से कहा, मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु एक आने वाले है जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है, मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य नहीं हूं, वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। इसका मतलब है आज हम लोग जो बपतिस्मा ईसा मसीह में लेते हैं, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, वो आग की बपतिस्मा है।
अब यहां पर जल का क्या काम है, थोड़ा सा एक और वचन में जाने का मन आ रहा है। रोमियो का पत्र अध्याय 6 में जाते हैं। रोमियो के नाम संत पौलुस लिखते हैं अध्याय 6। यहां पर बपतिस्मा का सही अर्थ क्या है इसका बताया। जैसे मैंने बोला है डूबना, वो वर्ड का, वो शब्द का मतलब है डूबना। कहां डूबना है ये संत पौलुस रोमियो को लिखते हुए कहते हैं। वाक्य 3 से पढ़ते हैं। क्या आप लोग यह नहीं जानते हैं कि ईसा मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है, हम लोगों को योहन का बपतिस्मा नहीं, ईसा मसीह का बपतिस्मा हम सबों को मिला है, वह उनकी मृत्यु की बपतिस्मा है। रोमन्स चैप्टर 6:3 4 भी पढ़ लेते हैं। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर, ईसा मसीह के साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। बपतिस्मा का सही अर्थ यहां पर संत पौलुस सिखाते हैं। पौलुस हमें बताते हैं कि ईसा मसीह का जो बपतिस्मा ग्रहण करने वाले लोग, जो आत्मा और आग का जो बपतिस्मा ले रहा है, वो प्रभु ईसा मसीह के साथ उनके मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण किया है और उनके साथ हम मृत्यु में एक होना है और उनके साथ हमें जी उठना है। इस बात को बपतिस्मा कहते हैं। मसीह के साथ मरना, मसीह के साथ जी उठना। यदि गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3:27 को पढ़ेंगे, वहां पर संत पौलुस और थोड़ा अच्छी तरह हम लोगों को सिखा रहा है। ये सब वचनों को मिला करके इसके बाद हम लोग मनन चिंतन करेंगे, कौन सा बपतिस्मा है, कैसे बपतिस्मा ग्रहण करना है। क्योंकि गलातियंस चैप्टर 3:27, क्योंकि जितने लोगों ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया, उन्होंने मसीह का धारण किया। एक बार और बोलता हूं, जितने लोगों ने ईसा मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया, वे मसीह को धारण किया। इसका मतलब बपतिस्मा के समय पर मसीह के साथ मरना, मसीह के साथ दफनाना, मसीह के साथ जी उठना और मसीह को धारण करना जरूरी है। क्या अर्थ है? फिर से मैं उस शब्द का अर्थ में फिर से जाता हूं। बपतिस्मा, बैप्टिसम मीन्स डूबना। अभी यहां पर संत पौलुस हमें सिखाते हैं, हमें ईसा मसीह के मृत्यु में डूबना है, उनके मृत्यु में डूबना है, तब पवित्र आत्मा मिलेगा बोलता है, उनके साथ दफनाना है बोलता है, इसके बाद वह हमें जी उठना है। इसको आग की बपतिस्मा कहते हैं। क्या अर्थ है? शब्दार्थ में डूबना है, पानी में किसी को डुबाने का मतलब है
वह मर गया है, दफनाया गया है, पुराने चीजों को छोड़ रहा है। इसके बाद उस पानी से बाहर निकल करके आ रहा है, इसका मतलब है वो एक नया व्यक्ति बन गया, पुरानी चीजों को छोड़ दिया, दफनाया, नया व्यक्ति बनकर के उड़ना। इसका मतलब ये एक चिन्ह है, पानी में डूबना और बाहर निकलना वो एक चिन्ह है। किस चीज का चिन्ह है? वहां पर योहन बपतिस्ता ने इसलिए डुबाया क्योंकि तुम्हारा जीवन पाप में है, नरक के योग्य जीवन है। एक मुक्तिदाता का आगमन हुआ है, वह आकर के हम लोगों को पाप से मुक्ति देने वाला है। उसके लिए उन्हें पश्चाताप की ओर लेकर के जा रहा था। योहन के इस बपतिस्मा में जो लोग पानी में डूब गया है, इसके बाद वह बाहर निकला है, उन्हें पाप मुक्ति नहीं मिलता था। एक बार और बोलता, जो पानी में डुबकी लगाकर, जो पानी से बाहर निकलने वाले, जो योहन का बपतिस्मा लेने वाले लोगों को पाप मुक्ति नहीं मिलते थे। अभी पाप मुक्ति ईसा मसीह के बपतिस्मा के द्वारा कैसे मिलता है? क्योंकि ईसा मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर हमारे पापों का प्रायश्चित कर वह मर गया है। जो अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए उसको छोड़कर इसके बाद वो मसीह के साथ अपने को मृतकों में से जिलाया हुआ मानते हैं, वह मसीह को धारण करते हैं। पाप को छोड़ना यहां जरूरी है। ये बपतिस्मा के द्वारा, मसीह में जो बपतिस्मा के द्वारा, जो पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मा है, वो आग दिखाता है पाप का क्षमा, शुद्ध करना। इसका मतलब ईसा मसीह में जो बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, जो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर जो बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, उनका पाप पूर्ण रूप से क्षमा किया जाता है, और उनको जो पाप का दंड उनके जीवन में है उससे भी उसे छुटकारा मिलता है। क्योंकि वो पाप प्रभु ने अपने ऊपर लुटाया, वो पाप के लिए उन्होंने दंड सहन किया। इसलिए जो मसीह में पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा ग्रहण करता है, उन्हें पाप क्षमा मिल जाते हैं, दंड से मुक्ति मिलता है, वो मसीह के समान रूपांतरित होता है। ये रूपांतरण जरूरी है, इसलिए इसको क्रिश्चियनिंग कहते हैं, क्रिस्तीय व्यक्ति बनाना, क्रिस्तीय व्यक्ति बनाना। बपतिस्मा के द्वारा वो एक क्रिस्तीय व्यक्ति बन जाता है, क्योंकि क्रिस्त जैसे बन गया, जैसे क्रिस्त पवित्र है, इस व्यक्ति को भी पवित्र बना है। इसलिए संत पौलुस बोलते हैं, मसीह को आप धारण किया। हमारे बपतिस्मा के समय पर कुछ चिन्ह हम लोगों को दिखते हैं। मैं इसे पूर्व में भी इसका एक क्लास ले चुका है, फिर भी थोड़ा सा बता कर देते हैं। एक तो पानी डालना, पानी यहां पर हम बोल सकते हैं सबसे पहले वो पाप का रूप भी बोल सकता है, क्योंकि पाप के लिए मरना है, और मृत्यु के लिए भी बोल सकता है। और वो पानी में डूबना, इसका मतलब मृत्यु में, ईसा मसीह में डूबना और इसके बाद वापस निकलना, है ना, पुनर्जीवन को भी बोल सकता है। इसका मतलब पानी का चिन्ह यहां पर भी उपयोग किया जाता है। वो पानी का चिन्ह हमें बताकर के देता है तुम पर पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा का भी चिन्ह है पानी, पानी पवित्र आत्मा का भी चिन्ह है। तो पवित्र आत्मा में तुम जब बपतिस्मा ग्रहण कर रहे हो, ये जो पानी डाल करके, इसके द्वारा तुम अपने पापों से मुक्ति तुम्हें मिल रहा है, पाप के लिए तुम मर गया है और मसीह में तुम जी उठ रहा है। इसके पहले कैटेक्यूमेन ऑयल लगाया जाता है, अर्थी का ऑयल, उसके द्वारा पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर में अपने विश्वास को प्रकट करते हैं, और साथ ही साथ
शैतान को और उनके सारे प्रपंच को, उनके सारे कामों को अपने जीवन से तिरस्कार करते हैं, दूर करते हैं। एक्सोर्सिज्म है एक शैतान को निकालने का एक प्रार्थना। इसका मतलब शैतान को हम परित्याग करते हैं, क्रिस्त को हम ग्रहण करते हैं। उस तेल के द्वारा उस आरती को इस प्रकार एक्सोर्सिज्म कराता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में अपने विश्वास को प्रकट करवाता है, स्वीकार करता है। इसके बाद पानी का ये चिन्ह हम लोगों ने सीख लिया है। इसके बाद उनके माथे पर फिर जो क्रिसम ऑयल, पवित्र तेल, जो पवित्र आत्मा का चिन्ह है, उसको लगाया जाता है। पवित्र आत्मा हम स्वीकार किया, पवित्र आत्मा का मुहर हम लोगों ने अपने माथे पर लगाया, अपने हृदय पर लगाया, आज से हम क्रिस्तीय व्यक्ति बन गया, ये दर्शाने वाला, क्रिस्त को स्वीकार करने को दर्शाने का ये एक चिन्ह है, पवित्रता का चिन्ह, पवित्र आत्मा का चिन्ह, उस तेल के विलेपन के द्वारा, क्रिसम ऑयल के द्वारा। इसके बाद एक सफेद कपड़ा डालते हैं, पवित्रता का वस्त्र, मसीह को धारण करने का चिन्ह के रूप में। इसके बाद एक जलती मोमबत्ती पकड़ाया जाता है। हमें मालूम है मोमबत्ती जलती जो प्रकाश, संसार की ज्योति, मसीह को ग्रहण करना, केवल इतना ही नहीं, मसीह को प्रज्ञा को स्वीकार करना, ग्रहण करना इसमें होता है। उस ज्योति बनकर के ईसा मसीह ने बोला तुम संसार की ज्योति हो, उस ज्योति को मसीह से ग्रहण कर अन्य लोगों के सामने हम स्वयं ज्योति बनने का प्रक्रिया, दूसरों के लिए ज्योति बनना, क्योंकि पूर्ण रूप से अब हम पवित्र बन गया है। इस प्रकार का एक कर्म चलता है। तो इसमें डुबकी लगाना कोई जरूरी नहीं, मैंने बोल दिया है, ये पानी छिड़काना भी काफी है, क्योंकि एक पानी मात्र एक चिन्ह है, पानी मात्र एक चिन्ह है। ये चिन्ह के द्वारा हम ये स्वीकार करते हैं कि हम पुराने जीवन को त्याग रहा है, मसीह में एक नया व्यक्ति बन रहा है। सेकंड कुरिंथियंस चैप्टर 3:17 के अंदर, दूसरा कुरिंथियंस अध्याय 5:17 के अंदर, 5:17 के अंदर लिखा है, जो मसीह के साथ एक हो गया वह एक नई सृष्टि बन गया है। मसीह के साथ एक होकर, एक मसीह के कलीसिया, मसीह के शरीर के साथ जुड़ना जरूरी है। इसलिए बपतिस्मा के द्वारा वो कलीसिया का एक सदस्य बन जाता है, अंग बन जाता है, मसीह का शरीर का अंग है। तब से वो कलीसिया का, चर्च का अंग मेंबर बन रहा है, वो मसीह का शरीर है। मसीह का शरीर जो बन रहा है, उसके द्वारा हम मसीह को धारण किया हुआ और मसीह को प्रकाश और ज्योति दूसरों को देने वाला बन गया है। तो ये प्रक्रिया में डुबकी लगाने का जरूरत नहीं। एक और बात बता कर देता हूं, जितना मेरा जानकारी है उसके अनुसार आदिम कलीसिया में जरूर डुबकी भी होता था। अभी डुबकी का बपतिस्मा में क्या प्रॉब्लम पड़ता था, जहां पर बच्चे हैं या बीमार लोग हैं या बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें पानी में डुबाना, डुबकी देना मुश्किल था। तब उनके लिए पानी छिड़कावी करता है, वो धीरे धीरे फिर डुबकी वाला बंद होकर करके छिड़काव वाला, क्योंकि पानी केवल एक चिन्ह है, इसलिए डुबकी लगाना कोई जरूरी नहीं है, पानी मात्र एक चिन्ह है। इसलिए हम लोग आज पानी को केवल छिड़काते हैं। मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स इस प्रकार भी मिला, जो डेड सी स्क्रोल्स कहते हैं, जो कुमरान जगह से
कुछ जो चमड़ों में लिखा हुआ बाइबल का कुछ भाग मिला, साथ ही साथ अन्य कई दस्तावेज जो आदिम कलीसिया में क्या क्या होता था, क्या है इसके विषय में लिखा हुआ कई दस्तावेज मिला है खुमरान जो स्क्रोल्स के अंदर जो है, डेट्स की स्क्रोल भी कहते हैं, उसके अंदर ऐसे कई जो सैक्रामेंटल सैक्रामेंट्स के विषय में भी लिखा हुआ कैसे कैसे करते थे। तो बपतिस्मा के विषय में कुछ लोग जैसे नहाता है उसी प्रकार नहाने का एक प्रक्रिया भी था, क्योंकि पाप को धो रहा है ये एक चिन्ह बोल करके, इसके बाद किसी को डुबा करके बाहर निकालना फटाफट ये भी चलता था, और पानी को छिड़काने का ये भी चलता था। ये डेड सी जो स्क्रोल्स है, जो कुमरान आदिम कलीसिया का जो जो तरीका है उसको लिखा हुआ था। कैथोलिक की कलीसिया में हम लोगों ने पहले में मनन चिंतन किया, कैटेगिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च के अंदर काफी इसके विषय में बपतिस्मा के विषय में हम लोगों को जानकारी मिलता है, और वहां पर हम लोगों को तीन प्रकार का बपतिस्मा के विषय में लिखा हुआ मिलेगा, तीन प्रकार का। एक ये सैक्रामेंटल बैप्टिज्म, जिस प्रकार पानी के साथ जो पुरोहित के द्वारा जो अर्थी को देने वाला जो बैप्टिज्म जो सैक्रामेंटल ऑफिशियल जो होता है। दूसरा एक बपतिस्मा है जिसे हम लोग जो वो चाह रहा है, इच्छा है, लेकिन किसी ने किसी कारण वजह से वो बपतिस्मा नहीं ले पाता है, इसको बैप्टिज्म ऑफ डिजायर कहते हैं, आग्रह है लेकिन नहीं ले पाता है। उस आग्रह के कारण भी हमें मालूम है, जैसे ईसा मसीह के साथ क्रूसित जो चोर है दाहिने साइड का, उनका आग्रह उसके साथ वो स्वर्ग पहुंचता हुआ, और कैथोलिक कलीसिया इसको भी स्वीकार करते हैं। कई लोग बपतिस्मा नहीं ले सकता, बपतिस्मा कौन लेना अनिवार्य है, जिनको सुसमाचार मिल चुका है, और जो व्यक्ति बपतिस्मा का मांग कर सकता है उनके लिए, उनके मुक्ति के लिए बपतिस्मा जरूरी है, ये कलीसिया सिखाते हैं। तो दो हो गया। तीसरा जो बैप्टिस्म ऑफ ब्लड, जो मार्टियर्स ईसा मसीह के नाम पर जिनका बलि हुआ, हत्याएं हुए हैं, जिनको अपना जीवन अर्पित करना पड़ा, वे लोग यदि बपतिस्मा नहीं लिया है लेकिन वो मसीह में, मसीह के नाम पर वो अपना रक्त बहाया, मसीह के कारण रक्त बहाया, उसको बैप्टिस्म ऑफ ब्लड कहते हैं। ये तीनों प्रकार का बैप्टिज्म कैथोलिक चर्च उसको स्वीकार करते हैं, और बाइबल के अंदर और अन्य कई उदाहरण भी हम ले सकते हैं। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है नूह के समय पर जब जल प्रलय हुआ, नूह और उसके परिवार के 8 जन जो लोग पोत में बैठा हुआ था, सुरक्षित था, खा पी करके बैठा हुआ था, ईश्वर के नियम के अनुसार, ईश्वर के आज्ञा के अनुसार, जो नूह जो सदाचारी व्यक्ति, ईश्वर भक्त व्यक्ति और उसके परिवार के साथ पोत के अंदर था, वो बपतिस्मा का प्रतीक है, ये लिखा हुआ है। नूह और उसका परिवार पानी में नहीं डुबकी लगाया था, वो पानी को पोत में रह करके पार किया, बच गया, उनके लिए ये बपतिस्मा है करके लिखा। उसी प्रकार इसराइली लोग मिस्र देश की गुलामी से मूसा नबी के अगुवाई में जब लाल सागर को पार कर मरुभूमि में प्रवेश किया, गुलामी के देश को छोड़कर मरुभूमि, हम लोग रेवलेशन का क्लास, प्रकाशना ग्रंथ का क्लास के अंदर ये मरुभूमि के विषय में मैंने बोल करके दिया था, शरण स्थान ईश्वर द्वारा जो शरण दे रहा है, उसी प्रकार कनान देश में प्रवेश करने के पूर्व में उस गुलामी से जिनको उनको जो शरण मिला वो स्थान है जो मरुभूमि, वहां पर प्रवेश करने के लिए उनको लाल सागर को पार किया, पानी में एक व्यक्ति भी उतरा नहीं, सूखे जमीन पर ईश्वर ने उसे विभाजित करके दिया, सागर को पार किया। हारून और उसके जो लोग हैं
वो सब उसमें डूब गया था। लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं इजरायली लोग मूसा के अगुवाई में उस लाल सागर को पार कर करके मरुभूमि में प्रवेश किया। उनका लाल सागर को पार करना, इसको भी बपतिस्मा के चिन्ह है करके बाइबल बताता है। उसी प्रकार उन लोग लाल मरुभूमि से जब कनान देश में प्रवेश किया, उनको यर्दन नदी को पार करना पड़ा था। उसी प्रकार विभाजित होकर के मिला सूखे जमीन पर, उन लोगों ने उसको पार किया। उनका जो जो बताया हुआ जो कनान देश जो प्रवेश किया वो उस बपतिस्मा के होकर के। इसी प्रकार ना मूसा नबी नूह और उनके परिवार पानी के अंदर डुबकी लगाया, ना इसराइल और मूसा पानी में डूबा था, लेकिन उसको भी बपतिस्मा मानते हैं। इसका मतलब पानी के द्वारा, पानी से होकर के या पानी के जगह होकर के उन लोगों ने उसको पार कर वो जो प्रज्ञात देश में प्रवेश किया। इसलिए उनको उसको हमारे पाप से, पाप में जीव, पाप के गुलामी से, शैतान की गुलामी से निकल करके हम लोग वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए ये पानी का छिड़काव ये काफी है। वो एकमात्र चिन्ह है, वो मात्र चिन्ह है। पाप में जिंदगी को, पुराना जीवन को हम त्यागा, मसीह में एक नया व्यक्ति बनना ये जरूरी है। तो बपतिस्मा के द्वारा मसीह के शरीर का अंग बनता है, कलीसिया का सदस्य बनता है और मसीही बनकर के उस ईसा मसीह के समान एक जीवन जीते हुए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए ये बपतिस्मा जरूरी है। उसमें डुबकी की जरूरत नहीं, केवल पवित्र आत्मा और आग की बपतिस्मा की जरूरत है। कई उदाहरण और भी बोलकर दे सकता हूं। बाइबल के अंदर कई जगहों पर इस प्रकार इंगित किया हुआ है। ईसा मसीह ने स्वयं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 में, मार्कुस का सुसमाचार मार्क चैप्टर 10 वर्स 38 में ईसा मसीह ने कहा, मुझे एक प्याला पीना है और एक बपतिस्मा ग्रहण करना है। यहां प्याला दुख कष्ट जो झेलना है उसका प्याला। गेत्सेमनी वाटिका में भी ईसा मसीह ने पिता से यही प्रार्थना किया, अब्बा पिता तेरे लिए सब कुछ संभव है, यदि हो सके तो ये प्याला, ये वो जो कष्ट पीड़ा। मसीह ने अपने चेले लोगों से कहा, मेरा हृदय इतना व्याकुल है कि मैं मरने पर हूं। वो जो दर्द, वो प्याला, वो उनको होकर के जाना है। और इसके बाद बोलता है कि बपतिस्मा, वो बपतिस्मा क्या है, वह मृत्यु का बपतिस्मा, उसके द्वारा संसार को मुक्ति मिलता है। तो मसीह के उस मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए हमें पानी में डूबने की जरूरत नहीं, छिड़काव में भी होता है। तो इसलिए यह सिखाना गलत है केवल डुबकी की बपतिस्मा ही पहले होता था और जो छिड़काव वाला बपतिस्मा बाद में आया। हमारे पास ऐसा कई दस्तावेज है आदिम कलीसिया में भी, जब बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, अन्य जो लोग पानी में डूब नहीं सकते, ऐसे ऐसे लोगों को जो बपतिस्मा दिया, ऐसा छिड़काव का बपतिस्मा। अब एक और बात मैं बताकर देना चाहूंगा, ये जो लोग ये जो डुबकी डुबकी बोल करके जो चिल्ला रहा है, मैं ऐसा एक व्यक्ति को जान रहा हूं। बच्चे लोग प्रोटेस्टेंट कलीसिया में हो गया, लेकिन माता पिता प्रोटेस्टेंट नहीं बने। आखिरी में जो मां के मृत्यु के शैया में वो अड़ी रहे, मैं नहीं प्रोटेस्टेंट बनूंगी, लेकिन वो एकदम बेडरिडन हो गया, मरने पर हो गया। उस समय पर बच्चों ने पास्टर को बुला करके उनके घर में उनके बिस्तर पर पानी छिड़का करके प्रोटेस्टेंट तरीके से उनका बपतिस्मा दिया। आखिरी में बाद में मृत्यु के बाद प्रोटेस्टेंट विधि के अनुसार उनको दफनाया। मां जब तक
उनको होश में था, उन्होंने मना करता गया, उन्होंने मना किया उनकी इच्छा के विरुद्ध में। बच्चे लोग जो जब वो ब्रेड रिडन हो गया, उस समय पर जबरदस्ती उनके ऊपर छिड़काव का पानी छिड़का करके प्रोटेस्टेंट बनाए। देखिए, जो लोग इसके विरोध कर रहा है उनके घर में भी उन लोग भी ऐसा काम कर रहा है, लेकिन कैथोलिक कलीसिया के विरुद्ध में बोलने के लिए छिड़काव का बपतिस्मा नहीं है करके बोलते हैं। तो हमें इन लोगों से बचकर रहना है। और जो प्रोटेस्टेंट लोग मेरी बात सुन रहा है, कैथोलिक कलीसिया का जो बपतिस्मा, ये स्वीकार्य बपतिस्मा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर जो बपतिस्मा, और साथ ही साथ तेल विलेपन करते हुए और एक पुरोहित अधिकारी के द्वारा जो बपतिस्मा दे रहा है, ये स्वर्ग राज्य में प्रवेश के लिए काफी है। जो लोग इस प्रकार का बपतिस्मा ग्रहण किया, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण किया है। और जो लोग जल में डुबकी के लिए जा रहा है, प्रेरित चरित्र के अंदर ही अनेकों जगहों पर आपको मिलेगा, संत पौलुस, संत पेत्रुस, अध्याय 8 के अंदर संत पेत्रुस जब समारिया पहुंचते हैं, वहां पर भी हम लोग पढ़ते हैं ईसा मसीह के नाम पर उन लोगों ने बपतिस्मा लिया, लेकिन उन लोगों ने जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेकर के जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना है उनको नहीं मिला था, इसलिए वे लोग फिर से प्रार्थना किया और उन पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उन्हें दे रहा है। इसी प्रकार अध्याय 19 के अंदर एफेसुस में जब संत पौलुस पहुंचा, वहां पर भी कई विश्वासी मिले, उन लोगों से पूछा आप लोगों को पवित्र आत्मा मिला, उनको तो मालूम ही नहीं था, उनको केवल इतना मालूम था डुबकी लगाना है, बपतिस्मा लेना है। तो बोले ये तो योहन का बपतिस्मा है। इसके बाद उन्हें उनके ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करना और उन्हें ईसा मसीह का जो बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर जो बपतिस्मा है वो दे करके उन्हें पवित्र आत्मा दिया। तो इसीलिए कैथोलिक कलीसिया जो बपतिस्मा दे रहा है वो पवित्र आत्मा एवं आग का बपतिस्मा है। वो हमारे शरीर पर, हमारे माथे पर पवित्र आत्मा का मोहर लगता है। एक बार मोहर लगा मात्र लोग क्रिश्चियनिटी भी छोड़ करके अन्य धर्म में गया, तब भी वो मोहर नहीं हटता। वापस आने के बाद दोबारा उसको बपतिस्मा नहीं दिया जाता, क्योंकि जीवन में एक बार बपतिस्मा है। जो लोग बपतिस्मा में, ईसा मसीह के बपतिस्मा में विश्वास करता है, पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मा में विश्वास करता है, वो जीवन में एक ही बार बपतिस्मा लेगा, क्योंकि उनके ऊपर एक मोहर ऑलरेडी लग चुका है पवित्र आत्मा का। यदि दोबारा बपतिस्मा के लिए जा रहा है, इसका मतलब आप पवित्र आत्मा का निंदा कर रहा है, पवित्र आत्मा को आप रोका रहा है, पवित्र आत्मा के विरुद्ध आप पाप कर रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने जो मोहर लगाया उस पर आपको विश्वास नहीं, आपको जो पाषंडी लोग जो सिखा रहा है उसमें विश्वास है, इसलिए जा रहा है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। जितने भी लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा ग्रहण किया, वो पवित्र आत्मा में डूबा है, पवित्र आत्मा की डुबकी का बपतिस्मा लिया है। उन्होंने अपने पाप में जीवन को उतार करके फेंका, मसीह में, क्रिस्त में एक नया व्यक्ति बना है, इसलिए वो क्रिस्तीय कहते हैं। ईसा मसीह के शरीर का अंग, कलीसिया का अंग बन गया, तब से उनका नाम कलीसिया में लिखा जाता है। मसीह का शरीर का अंग बनना, मसीह जैसे बनना, मसीह के उस विश्वास में आगे बढ़ते जाता है। धन्यवाद दीजिए, इस बपतिस्मा के द्वारा हमारे अनगिनत पाप क्षमा हो गया। जन्म से लेकर के उस समय तक जितना भी पाप हुआ, सारे के सारे पाप और उसको दंड से हमें मुक्ति मिल गया। धन्यवाद दीजिए, इस कारण हमारे नाना प्रकार के बीमारियां दूर हो गया। समर्पित कीजिए, आप अपने विश्वास को प्रकट कीजिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ईश्वर में अपना विश्वास प्रकट कीजिए। जो बपतिस्मा, एकमात्र बपतिस्मा
जो हमने ग्रहण किया, स्वीकार किया, उसको प्रकट कीजिए, स्वीकार कीजिए। आपके नाना प्रकार के बीमारियां आपके शरीर से, आपके परिवार के अन्य लोगों का, इसी समय इस विश्वास को स्वीकार करने के कारण दूर हो जाए। ईसा मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना और कैथोलिक कलीसिया में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर जो बपतिस्मा ग्रहण किया, इसके द्वारा आपके शरीर के नाना प्रकार के बीमारियां जाए, इसी समय पर आपको चंगाई मिले। आपकी सारी चिंताओं को समर्पित कीजिए, भविष्य के प्रति, नौकरी, विवाह, संतान, पैसा समर्पित कीजिए। आपको पवित्र आत्मा मिला है, पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास करता है, आपने ईसा मसीह को धारण किया है। मेरे हृदय में निवास करने वाले पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर, मैं तेरी स्तुति करता हूं, आराधना करता हूं, यह बोलते हुए प्रार्थना करें, उस प्रभु से विनती करें, अपने सारे जरूरतें पूर्ति हो, रोग कष्ट पीड़ाएं दूर हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।